what is tabular presentation. Presentation of data, lecture number 2. क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टेबुलेशन. टेबुलेशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं टेबुलेशन को सारणीयन. सबसे पहले मैं बता दूं प्रेजेंटेशन टेबुलर क्या होता है. टेबल क्या होता है, जहां पर आंकड़ों को जो है रॉ एंड कॉलम में शो किया जाता है. तो जहां पर रॉ होता है और कॉलम होता है उसी को टेबल कहा जाता है. तो टेबुलेशन क्या है, सारणीयन क्या है, टेबल में उसकी पूरी प्रोसेस होती है. टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल. टेबुलेशन डेटा को जो है टेबल के रूप में प्रेजेंट करने की पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है. न्यूज़ बैंकर ने कहा था कि अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज द सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन अ कॉलम एंड रोज. जब किसी स्टैटिस्टिकल टेबल के में डेटा को इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम होता है, जहाँ पर डेटा कॉलम में और रो में शो किया जाता है, ताकि आसानी से उसके दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जा सके, समझा जा सके और एक्टिव दिखे. फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक डेटा का प्रेजेंटेशन लिया टेबुलर फॉर्म. अगर बात करें टेबुलर फॉर्म में कौन कौन सी मेन मेन चीज़ें होनी चाहिए, कोई भी डेटा आप दिखा रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, तो सबसे पहला होता है टेबल नेम. किस चीज़ को जो है टेबल बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं टेबल नेम. टेबल नेम के बाद आता है टाइटल. तो टेबल नेम के बाद जस्ट टाइटल है. टाइटल इसी से हम टेबल नेम और टाइटल दोनों को कॉमन सेम रखा है. उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, टोटल इन लैक टन्स एंड परसेंट. यानी कि जो डेटा दिखा रहा है वो डेटा क्या दिखा रहा है, ये जो क्वान्टिटी है वो टन्स में दे रखा है, और ये जो दे रखा है परसेंटेज ऑफ टोटल परसेंटेज में दे रखा है. उसके बाद फूड ग्रेन दे रखा है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन दे रखा है क्वांटिटी में भी और उसको परसेंटेज में. तो ये जो होता है सीधा इस वे में इसको कॉलम बोलते हैं, और जो इस वे में दे रखा है इसको जो है हम रॉ बोलते हैं. ये है सब, ये अगर मैं ये है सब हेडिंग, ये सब हेडिंग बोला जाता है इसको सब हेड. सब हेड हो गया ये सब, और ये जो कॉलम में ये हो गया, ये होता है सब एंट्रीज. क्या होता है, सब एंट्रीज बोलते हैं इसको. ठीक है, अब ये सीधा सीधा अगर 1, 2, 3 ये कॉलम में आता और ये हो गया रो में, यानी कि 3 कॉलम है और जो है रो है, बाकी रोज है. तो कॉलम और रोज में जो डेटा दिखाया गया है उसी को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं. ठीक है, अब बात आती है जो टेबल बनाया जाता है उसमें फीचर कौन है कि गुड टेबल को बताया जा सके. फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, तो जब से सबसे पहली फीचर इसमें यह है कंपैटिबल टेबल होनी चाहिए. कंपैटिबल टेबल होनी चाहिए. नंबर 2 कंपैरिजन. कंपैरिजन किया जाएगा कि दूसरे के साथ इसकी तुलना किया जा सके. नंबर 3 स्पेशल इम्फेसिस, मतलब सम आइटम्स इन द टेबल में नीड स्पेशल इम्फेसिस. यहाँ पर स्पेशल इम्फेसिस का यूज़ किया जा सके, यानी कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं इसको अलग से उसके बारे में बताया जाना चाहिए, तो स्पेशल इम्फेसिस का प्रयोग होना चाहिए. जो भी डेटा शो किया जाए वो एक आइडियल साइज का होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित आकार का होना चाहिए. नेक्स्ट स्ट्रप होना चाहिए. इफ रो आर वेरी लॉन्ग, अगर रो बहुत लंबे लंबे होते तो स्ट्रप किया जा सकता है, उसको मतलब छोटा किया जा सकता है. 6 यूज ऑफ 0, बेसिकली डेटा का जो यूज लिखा जाता है वो 0 से यूज करते हुए लिखा जाता है. नेक्स्ट उचित हेडिंग का और सब हेडिंग का यूज किया जाना, जैसे यहाँ पर ये हेडिंग दे रखा है उसके नीचे उसके सब हेडिंग है. एब्रीविएशन का यूज होना चाहिए, फुटनोट होना चाहिए, यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किसके बारे में दे रखा है. जैसे यहाँ पर यूनिट्स है, ये रुपीस के बारे में दे रखा है, ये परसेंटेज में दे रखा है, और यूनिट्स फिक्स होना चाहिए. नेक्स्ट टेबल के लास्ट में टोटल किया होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर परसेंटेज वगैरह शो करना है तो परसेंटेज भी दिया होना चाहिए, ताकि दिए गए डेटा को सही तरीके से पढ़ा जा सके.
ये तो हो गई इसके फीचर्स की। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन की। इसके कौन कौन से मेरिट्स हैं? सबसे पहले अगर किसी भी डेटा को टेबुलर प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो क्या होता है, सिंपल एंड ब्रीफ हो जाता है, पढ़ने में बिल्कुल आसानी होती है और बिल्कुल संक्षिप्त छोटा सा होता है जो बड़ा सा डेटा देखने लगता है। दूसरा, फैसिलिटेट कंपेरिजन, इसके माध्यम से इसका कंपेरिजन किया जा सकता है इससे रिलेटेड दूसरे डेटा से। इजी एनालिसिस, क्योंकि डेटा में हर चीज़ रो और कॉलम में फिक्स होता है तो ये समझने में और एनालिसिस करने में बड़ी आसानी होती है और इजी होता है, आराम से देख के इसको पढ़ा जा सकता है। हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो डेटा को हाईलाइट किया जाता है, इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है, इसमें कम इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, तो इसमें हर चीज़ हाईलाइट करके दिखाया जाता है। और सबसे अहम चीज़ ये इकोनॉमिकल होता है, इसको बनाने में ना ही समय ज़्यादा चाहिए ना ही इसके लिए पैसे ज़्यादा खर्च होते, बिल्कुल इकोनॉमिकल है। थैंक यू।